नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से आपकी सेवा में किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ। घर गांव सावदा में सवेरे सवेरे टहलने निकला था तो कुछ दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ, जो नई नई चीज़ें चलते चलते दिख जाती हैं। मिट्टी कैसे बनती है सारी चीज़ें मार्केट में प्रकृति में कई लोगों को पता है कि पेड़ कैसे आता है, फल कैसे आता है, लेकिन जो उसका मीडिया है मिट्टी स्ट्रक्चर सॉइल, वो बनती कैसे है, मतलब वो कौन से जीव है जो मिट्टी बनाने में फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं, तो वो दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखेंगे तो ये मिट्टी बन गई है, मतलब ये बायोमास जो है ना, ये बायोमास को तोड़ते 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 ये मिट्टी बन रही है। ये देखिए दीमक जो होती है, दीमक ये वाला, ये मिट्टी बनाने का काम करता है। मिट्टी मतलब ये जो सूखे पौधे हैं, उस सूखे पौधे को ये जो बायोमास है इसको खाकर मिट्टी बनाने का काम करेंगे। ये देखिए ये भी लकड़ी, मतलब ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश किया तो ये पूरी मिट्टी बन गई है। ये प्रकृति के एक बहुत बड़े रक्षक है और मिट्टी बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो कई लोग इनको दुश्मन भी समझते हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये छोटे 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 जो है ना, ये वाले ये मिट्टी बनाने का काम करते हैं मित्र। और सूखा बायोमास जो होता है इसको खाकर मिट्टी निकालने का काम, दीमक तो दीमक अपना मित्र है। हो सकता है कि कई जगह पे जो क्रॉप है उसके साइड में लकड़ी सूख गई है, तो वो लकड़ी, सूखी लकड़ी खाने के चक्कर में वो गीली लकड़ी को भी परेशानी हो, तो वैसे जगह पे खाली प्रोटेक्शन लेना है, लेकिन इनको मारकर नहीं भगाना है। ये अपना काम प्रकृति के लिए कर रहे हैं, ये इन्हें करने दीजिए। कई जगह पे मैं दिखाने का प्रयास करूँ तो हर जगह पे जैसे देखो ये पूरा बायोमास कार्बन इन्होंने खाया है, और बायोमास खा खा कर इन्होंने ये मिट्टी को जन्म दिया हुआ है। ये मिट्टी अगर देखोगे, ये वाली, ये पूरी मिट्टी है, और ये मिट्टी मतलब के ये गोबर देखो, ये गोबर की इसको भी खा लिया इन्होंने। ये देखो, ये दिखेगा आपको, ये मतलब सूखा बायोमास ही इसको चाहिए, तो ये मिट्टी में उसको कन्वर्ट करने का काम करेगा। और सजीव मिट्टी जो किसान के खेत में अच्छा उत्पादन देने के लिए चाहिए, वो वाली मिट्टी, ये खास तौर से दिखाना था। कई व्यक्तियों को पता भी है, लेकिन पता होते हुए भी हम लोग वो कार्य नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए माँ प्रकृति के लिए। तो आइए एक मिशन छेड़ते हैं, जो मिट्टी बनाने वाले हमारे सजीव हैं उनको नहीं मारने की कसम खाते हैं। ओके, थैंक यू भारत। मैं गणेश किसान, किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर डटे रहिए, और आपके पास कुछ अच्छे डाटा होंगे वो मुझे शेयर आप कर सकते हो। थैंक यू भारत, नमस्ते किसान, जय जवान जय किसान।